झुंझुनू जिले के गांव गुड़ा में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह गुट्टा के फार्म हाउस पर उनकी बेटी शिवम का जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया। उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे, हजारों की संख्या में लोग आए। झुंझुनू जिले के गांव गुड़ा में पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह गुड्डा के फार्म हाउस पर उनकी बेटी शिवम सिंह गुड़ा के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया। उसमें महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे, हजारों की संख्या में लोग आए। वंदे भारत के साथ दयाल सिंह की रिपोर्ट। मैं भी मौजूद हूँ झुंझुनू जिले के गुड्डा गांव में, और ये गुड्डा वही फार्म है जहाँ पे क्या पता कितनी अस्थि आई और कितनी चलेगी, लेकिन जो मौजूदा जो इसके मालिक हैं, जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, ये गुड्डा वही लेबोरेटरी फार्म हाउस है जहाँ गहलोत भी आए, सचिन भी आए, लेकिन और भी बहुत कुछ राजनेता आके गए, लेकिन आज यहाँ पे कोई नए ही काम किया गया है राजेंद्र सिंह गुड्डा द्वारा, जो मंत्री हैं थे और विधायक भी हैं वर्तमान में उदयपुरवाटी विधानसभा से। आज ये महाराष्ट्र से शिवसेना के जो सीएम हैं जिसमें एकनाथ शिंदे जी को अपने फार्म हाउस पे बुलाया है जन्मदिन के अवसर पे। जी तो यहाँ जो गुड्डा साहब के जो समर्थन है वो जुड़े हुए हैं जी, बताइए आपका नाम। हमारा नाम मोहम्मद मजबूल है जी। आप कहाँ से हो? नवलगढ़ से। अच्छा अच्छा, तो अभी आप यहाँ किस लिए आए हो? हमारे भाई साहब जो है रणबीर जुद्दा जी, जो राजेंद्र जुद्दा जी। अच्छा, तो मतलब ये है कि आप जानते सभी को इनमें? मैं राजेंद्र जी दुद्दा जी जानते हैं, हमारे घर पे भी जाते हैं, दुद्दा बोर पर मेरा मतदान है, मैं मतलू भाई साहब का आदमी हूँ, हमारा भाई साहब हमारे घर भी जानते हैं, हमारे रेलवे जीत पर मतदान है, और इनके भाई है भाई साहब और जीते रहे। जैसा कि अभी आप देख रहे हो राजेंद्र सिंह गुड्डा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। अब राजेंद्र सिंह गुड्डा से सुनते हैं वो क्या बताते हैं आज इस प्रोग्राम को लेके। भाई ये आज 9 सितंबर का शिवम का जन्मदिन है और उदयपुर वाटी विधानसभा में और बाहर सारे जो मेरे दोस्त हैं और भाई की तरह हैं, कोई बड़े हैं मेरे से उम्र में वो जो बड़े भाई हैं, जो छोटे हैं वो छोटे हैं, और ये सारा एक सभी 36 कौम का परिवार है। इस परिवार के लोग वो उस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और एक ऐसी इच्छा भी रहती है कि सारे टीम के लोग एक जगह इकट्ठे होके एक साथ खाना ले लें और एक मिलना जुलना भी हो जाए और बच्चे का आशीर्वाद भी है, ये इस तरह का कार्यक्रम। अच्छा, तो ये लेबोरेटरी फार्म है जो आप बताते हो। अच्छा, लिबर्टी फार्म ही है जो आप बताते हो, लेकिन इसमें एक ये है कि यहाँ ये जो 9 सितंबर का जो प्रोग्राम होता है ये हर साल होता है। मेरे भाई कई प्रोग्राम है, मैं तो जब से है ना मेरे पास कोई पृष्ठभूमि तो राजनीतिक रही है, मेरे दोस्त मित्र रहे हैं, इससे मिलना जुलना यही तो मेरा शौक है, और जब मैं इनके घर खाना खाता रहता हूँ ये फिर मेरे पास आके हम एक साथ खाना खा लेते हैं, मिल लेते हैं, जुल लेते हैं, और ये साल में एक बार दो बार जैसे गुरु पूर्णिमा होती है तो हमारे गुरु महाराज के वहाँ हम सारे लोग एक बार वहाँ खाना साल में एक बार खाते ही खाते हैं। इसके अलावा कोई धार्मिक हो, यज्ञ है, कोई और है, बीच में कोई कार्यक्रम बन जाते हैं तो भी हो जाता है, और ये यहाँ भी वैसा ही और कुछ। अच्छा, नहीं तो जब भी 9 सितंबर आती है तो यहाँ क्या है, आप तो मौजूद रहते हो लेकिन जो चेहरे हैं जो आप चीफ गेस्ट बुलाते हो हर साल वो चेंज होते आते हैं, उसका क्या रीजन है? वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछली बार गहलोत साहब आए थे और अब की बार शिंदे साहब आए हैं, तो वो चेहरे तो कोई, ये तो सहयोग कोई ऐसी बात नहीं, गहलोत साहब सरकार में मंत्री था वो और साहब आ गए यहाँ। अच्छा, तो अब आप मंत्री नहीं हो तो आज वो नहीं है या आपने बुलाया नहीं उनको? राजेंद्र सिंह गुड्डा भी वही है लेकिन आज यहाँ अशोक गहलोत मौजूद नहीं है।
भाई बताया नहीं कि यार आपको सारे समझ गए, हंसने वाले क्यों जी? वो तो सभी समझ रहे हैं, समझ तो हम भी रहे, लेकिन एक बार दर्शक भी देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीजन है। और आज जो एकनाथ जी शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है वो यहाँ मौजूद रहे, तो अब इसका आगे राजस्थान की राजनीति में अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए आपको एक बात बताऊं, शिंदे साहब जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बिल्कुल जमीन से उठे। नहीं, जमीन से जुड़े हुए आप भी हो, आपके भी जहाँ भी जाते हो वहाँ आपके चारों तरफ ये जो आदमी है ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो पता नहीं आप इन्हें डिटेक्ट कैसे करते हो, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन क्या दे रखा आपने, लेकिन ये चारों तरफ आपके रहते हैं। उस हिसाब से शिंदे साहब से अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आपको हम जानते हैं, तो बताइए मेरा भाई। नहीं तो लोकप्रियता का भी एक कारण होता है। लोकप्रियता क्या कि मेरे खतर ए जान दी, मैं आ खतर दूं। तो अब की बार क्या जो 2023 के जो 24 में चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या है? आज सारी कैदुगण पा हो जो क्या ना हो। नहीं, हम तो आते रहे हैं, लेकिन 24 की जो रणनीति है वो रणनीति में कुछ बदलाव है या मेरे सेम है? एक बात बताओ आपको कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक के अंदर बिजनेस में व्यापार में इंडस्ट्री में बहुत आगे है और हमारे लाखों लोग हमारे बॉम्बे में महाराष्ट्र में पुणे के अंदर वहाँ हमारे राजस्थान के लोग रहते हैं और हम ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री है। सरकारी नौकरियों की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं हो सकती। अब लोग प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो और प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोगों को आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसे ऐसे पैकेज है जो कलेक्टर का तो कलेक्टर उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। प्राइवेट सेक्टर में एक एक लड़के की 5-5 लाख रुपए तनख्वाह और इतने शानदार, तो हमारे यहाँ ये प्राइवेट सेक्टर खड़ा हो, इंडस्ट्री खड़ी हो और हमारा नौजवान जो आज विदेशों में दुबई है सऊदी अरब है वहाँ जाता है रोजगार के लिए, वो अवसर हमारे यहाँ पैदा हों, हम इसके लिए काम करेंगे। अच्छा, तो 2023 और 24 के चुनाव उसमें आपका कहने का मतलब ये अब की बार मेरा मुद्दा रहेगा अपने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास हो। देखिए आपको एक बात बता दूं, मुख्यमंत्री जो हो वो जोड़ तोड़ के गोटी फिट करना, ये करना वो करना, इसको सेट कर लिया उसको सेट कर लिया, जो नौजवान चाहे जो किसान चाहे जो हमारे लोग जो चाहे वो मैं करता हूँ, ये मेरे सारे लोग जो चाहते हैं। सीएम को भी वही करना चाहिए जो जनता चाहती है, फैसले दिल्ली से होते हैं मुख्यमंत्रियों के और दिल्ली को घुस करने में सारी जान चली जाती है मुख्यमंत्री को, जनता का ध्यान ही नहीं रहता। चीफ मिनिस्टर सारी जान दिल्ली को राजी करने में लगाते हैं और दिल्ली को इस लेवल के ऊपर फंडिंग होती है, इस लेवल पर फंडिंग होती है कि वो आप सोच नहीं सकते इतना पैसा दिल्ली जाता है। पूरा हिंदुस्तान राजस्थान के पैसे से चुनाव लड़ेगा पार्लियामेंट का इस लेवल पर, और ये एक प्रकार से मुख्यमंत्री यहाँ जमीन या जनता मुख्यमंत्री नहीं बनाती। राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर को वोट नहीं पड़ते, लोग विधायक को वोट गिर देते हैं, पार्टी में वोट गिर देते हैं। जब सीएम जनता बनाने लग जाएगी, बंगाल का सीएम जनता बनाती है, बंगाल का सीएम आज यूपी में सीएम है वो जनता बनाती है। हमारे जनता को यही पता नहीं है कि सीएम का चेहरा कौन है, अब थोड़ी पता है, कांग्रेस में चेहरा नहीं आएगा, दूसरी तरफ भी चेहरा नहीं आएगा, जनता का वोट लिया जाएगा और उसके बाद भी कोई सामने आ जाएगा वो उनको राजी करेगा, तो पब्लिक का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसमें अब आपका फेरबदल क्या रहेगा, जैसे अब पहले आप बसपा से थे फिर आप कांग्रेस में अब शिवसेना से, तो इसमें कांग्रेस में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? मेरी बात सुनना मेरे भाई, ने तो यहाँ झोंपड़ी थी कभी, सुन लेना मेरी बात बिल्कुल, और ने यहाँ कभी ये बसपा थी, 1100 वोट आए थे बसपा के जब मैं चुनाव नहीं लड़ा, नरेंद्र सैनी के 1100 वोट थे, वो उसकी जाति के थे या उसके खुद के थे, उसके दोस्तों के पार्टी को अभी जांच का विषय है। और इस जगह लोग राजेंद्र गुड्डा को पसंद करते हैं और राजेंद्र गुड्डा अब मुझे पहली बार जो आदमी है इसके साथ काम, शिंदे साहब के साथ काम किया जा सकता है कि वो बिल्कुल मतलब वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद उनको लगा यार बहुत गलत हो गया, वहाँ कार्यक्रम यहाँ होना चाहिए था और ये कार्यक्रम आप सोच सकते हो शिंदे साहब का,
आज जिस परिस्थिति के अंदर आए हैं, 10 बार घड़ी देख रहे थे कि वहां है हमारा हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं। 1 बजे बाद में हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता था। अमेरिका का राष्ट्रपति आया हुआ, रूस, जापान के, रशिया के सारे लोग बैठे, तो उस जगह हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता। और उसके बाद में भी वो आदमी 12 बजे तक हमारे पास था। आप सोचो कितनी इच्छा शक्ति है। तो ये जब दोनों का मन मिलता है तो नहीं। जैसा कि अब आप कहना चाहते हो कि राजेंद्र सिंह गुड्डा जैसा ही अब की बार जो सामने वाला जो आपको टिकट मिलनी, या फिर चाहे वो सीएम सिंधे साहब हो, वो आपके जैसे आपको मिलते हुए मिले। मेरा डोल को स्वाद भी लगे मन तो सब गहलोत जी तो वो भी तो थे, तो आपने उनके साथ भी काम किया है उस दिन जब उनको जरूरत थी, तब शायद आपने उनका सपोर्ट किया है। गहलोत साहब को कमजोर लोग पसंद है, गहलोत साहब को मजबूत आदमी पसंद रहे नहीं। तो सब गहलोत जी 33 जिलों के ऊपर अपनी सरकार चला रहे हैं आज राजस्थान में। अब चला बंद भाई, तेरी तक लाग जा रहा, तू चला ले बड़े बैठे बाद में अड़ूंगा सारो पक्ष में जाए। तो अब उसके बारे में, अब एक जिक्र और भी चल रहा था वो लाल डायरी, आजकल वो बंद हो गए, उसका क्या सीन है और आगे? यार मैं आज नहीं बोलूंगा उसके बारे में, आज शांति से आना। वो कोई हल्का सा कोई और शाम के मजा लेना तो बैठे आज जी प्रोग्राम चल रहा है। चलो जी, जैसा कि अभी आपने देखा है।